ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तौ जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नश्यति। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। बारहवें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। कर्मणि अस्मिन् अनाश्वासे धूम धूम रा धूम धूम आत्मनाम भवान अपाययति गोविंद पाद पद्मा सवम मधु। कर्मणि अस्मिन् अनाश्वासे धूम धूम आत्मनाम भवान अपाययति गोविंद पाद पद्मा सवम मधु। कर्मणि अस्मिन् अनाश्वासे कर्मणि अस्मिन् अनाश्वासे भवान अपाययति गोविंद पाद पद्मा सवम मधु। इसलिए मैं कर रहा था, पढ़िए। कर्मणि अनाश्वासे धूम धूम्र आत्मनाम भवान अपाययति गोविंद पाद पद्मा सवम मधु। शब्दार्थ कर्मणि संपन्न करने में अस्मिन् इस अनाश्वासे निश्चित रूप से नहीं धूम धुआं धूम्र आत्मानम आत्मानाम कलुषित शरीर तथा मन भवान आप अपाययति अत्यंत प्रसन्न बना रहे हैं गोविंद भगवान के पाद पांव पद्म आसवम कमल पुष्पों का अर्क मधु शहद भवार्थ है हमने अभी अभी इस सकाम कृत्य यज्ञ की अग्नि को संपन्न करना आरंभ किया है और हमारे कार्य में अनेक अपूर्णताएं होने के कारण इसके फल की कोई निश्चितता नहीं है। हमारे शरीर धुएं से काले हो चुके हैं लेकिन हम भगवान गोविंद के चरण कमलों के अमृत रूपी उस मधु से सचमुच तृप्त हैं जिसे आप हम सबको वितरित कर रहे हैं।
कौन कह रहे हैं ये, कौन कह रहे हैं? नैमिषारण्य मुनि। बहुत बहुत अच्छी बात है, वो कह रहे हैं सूत गोस्वामी को। मेरे साथ पढ़िए, हमने अभी इस सकाम कृत्य यज्ञ की अग्नि को संपन्न करना आरंभ किया है और हमारे कार्य में अनेक अपूर्णताएं होने के कारण इसके फल की कोई निश्चितता नहीं है। हमारे शरीर धुएं से काले हो चुके हैं, लेकिन हम भगवान गोविंद के चरण कमलों के अमृत रूपी उस मधु से सचमुच तृप्त हैं, जिसे आप हम सबको वितरित कर रहे हैं। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। नैमिषारण्य के मुनियों ने जो यज्ञाग्नि जलाई थी वह निश्चय ही धुएं तथा संशयों से पूर्ण थी, क्योंकि उसमें अनेक दोष थे। पहली कमी यह थी कि इस कलयुग में ऐसा यज्ञ कार्य संपन्न कराने वाले पटु ब्राह्मणों का नितांत अभाव है। ऐसे यज्ञ में यदि कोई दोष रह जाता है तो पूरा खेल बिगड़ जाता है और फल भी अनिश्चित रहता है, जैसा कि कृषि उद्यम में होता है। धान के खेत को जोतने से अच्छा फल तभी मिलता है जब अच्छी वर्षा हो, अन्यथा फल अनिश्चित है। इसी प्रकार से इस कलयुग में भी कभी किसी भी प्रकार का यज्ञ संपन्न कराना अनिश्चित रहता है। कलयुग के निर्लज लोभी ब्राह्मण अबोध जनताओं को ऐसे अनिश्चित यज्ञों का दिखावा करने के लिए फुसलाते हैं और उन्हें यह शास्त्रीय आदेश नहीं बताते कि कलयुग में कोई भी सकाम यज्ञोत्सव संभव नहीं है। किंतु इस युग में केवल एक ही यज्ञ संभव है और वह है भगवान नाम का सामूहिक कीर्तन। सूत गोस्वामी एकत्र हुए मुनियों के समक्ष श्री भगवान के दिव्य कार्यकलाप सुना रहे थे और वे सब इन दिव्य कार्यकलापों के सुनने के फल का अनुभव कर रहे थे। कोई भी इसे व्यवहारिक रूप से उसी तरह अनुभव कर सकता है जिस प्रकार भोजन करके उसके फल का अनुभव किया जाता है। आध्यात्मिक अनुभूति इसी प्रकार कार्य करती है। नैमिषारण्य के मुनि यज्ञ की अग्नि से उठने वाले धुएं से कष्ट पा रहे थे और फल के विषय में भी संशयपूर्ण थे, किंतु सूत गोस्वामी जैसे अनुभूत व्यक्ति से सुनने के कारण वे पूरी तरह से संतुष्ट हुए थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में विष्णु शिवजी से कहते हैं कि कलयुग में लोग विविध प्रकार के चिंताओं से घिरे होने के कारण सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन में व्यर्थ ही श्रम करेंगे, किंतु यदि वे भक्तिमय सेवा में लगेंगे तो परिणाम अधिक निश्चित होगा और शक्ति का भी क्षय नहीं होगा। दूसरे शब्दों में श्री भगवान की भक्तिमय सेवा के बिना आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए या तो भौतिक लाभ के लिए जो कुछ भी किया जाएगा वह फलदायी नहीं हो सकता। हरे कृष्ण प्रभु। फलदायी नहीं हो सकता, ये प्रभुपाद ने बिल्कुल बहुत करेक्ट ठीक ढंग से बता दिया। हालांकि तब कलयुग इतना खराब नहीं था जितना अभी है, जब नैमिषारण्य में यज्ञ कर रहे थे ऋषि मुनि लोग, फिर भी कलयुग साक्ष शुरू हो चुका था। तो कलयुग में कहा जाता है भगवान चैतन्य महाप्रभु बाद में आए, उन्होंने कहा कलयुग में संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य 517 या 18 साल पहले हुआ। तो उन्होंने कहा कलयुग में हरिनाम जपो और यज्ञ बहुत जरूरी है, यज्ञ के बिना न देवता
न भगवान विष्णु को यज्ञ किया जाता है, वो खुश जब तक नहीं होंगे तो तब तक हमारे लिए कुछ काम अच्छा नहीं है। हमारा पूरा एक ध्येय होता है कि भगवान विष्णु को खुश करें। विष्णु का मतलब कृष्ण, सब एक ही है। विष्णु तत्व में आप हम कृष्ण के बारे में कहते हैं क्योंकि भगवद गीता भगवान कृष्ण के बारे में उन्होंने कही है और भागवतम में भगवान कृष्ण के बारे में है, उनकी लीलाओं के बारे में है। इसलिए हम आपने देखा होगा कि और देवताओं और भगवानों का वर्णन नहीं करते हैं। और भगवान है कौन? भगवान विष्णु है, उनका वर्णन आता है भागवतम में। भगवान राम का वर्णन आता है तीसरे अध्याय में पहले स्कंद के, और आप सभी का वर्णन आता है, जो जो मुख्य मुख्य अवतार भगवान के हैं उनका वर्णन आता है। लेकिन आप सोचते हैं कि भगवान कृष्ण को कहने का मतलब सब भगवान आ गए, विष्णु कहते हैं हम, विष्णु की पूजा करने का मतलब भगवान की पूजा है, क्योंकि सब भगवान कृष्ण हैं, भगवान राम हैं जिनको हम लोग ज्यादा जानते हैं, भगवान कृष्ण हो गए, राम हो गए और बलराम हो गए, और आपके विष्णु पुरुष अवतार है विष्णु का ये हो गए, और नृसिंहदेव भगवान हो गए, वराह हो गए, वामन हो गए, जितने हैं जिसको जहां अच्छा लगता है, ये सब विष्णु तत्व हैं। इसमें से किसी एक की पूजा करना बहुत अच्छा है। अब हम क्या करते हैं, इसके भी उसके भी उसके भी उसके भी उसके भी पैंथिज्म करते हैं। कोई भगवान का राम का भक्त है, अनन्य भक्त होता है भगवान राम का, बहुत अच्छी बात है, वो पूजा भगवान कृष्ण को हो रही है क्योंकि वो सब एक ही हैं। भगवान कृष्ण आदि पुरुष हैं, उनके विस्तार हैं, तो उनमें और भगवान कृष्ण में कोई फर्क नहीं। भगवान कृष्ण में सिर्फ चार गुण इन सबसे ज्यादा होते हैं। कौन से हैं? रूप माधुरी, उनसे सुंदर कोई दिखता ही नहीं। वीणा माधुर्य, वो वीणा बजाते हैं, ये बंसी बजाते हैं, वेणु माधुर्य। भक्त माधुर्य, उनके कैसे भक्त हैं आप देखते हैं, उनके यशोदा माँ जैसे भक्त हैं, उनके राधा रानी जैसे भक्त हैं, गोपियों जैसे उनके भक्त हैं, बहुत सारे भक्त हैं इनके। और दूसरा क्या है? लीला माधुर्य। ये चार चीजें उनकी लीलाएं अपरंपार है भगवान कृष्ण की, ये चार चीजें आपको किसी और में नहीं मिलती। दूसरा, भगवान कृष्ण को आप किसी रूप में पूज सकते हैं, उनको अपने पुत्र के रूप में मान करके पूजा करो, उनको अपने स्वामी के रूप में पूजा करो, उनको अपने प्रियतम के रूप में पूजा करो, उनको अपने मित्र के रूप में पूजा करो। और सपोज करो आप वैकुंठ या गोलोक वृंदावन बन चले गए तो आप उनके गले भी लग सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं भगवान से। भगवान कृष्ण की ये अपार लीला है। जबकि आप भगवान विष्णु हैं या भगवान राम हैं, उनके गले मिलने का सोच भी सकते हैं? कभी नहीं। उनको आप उनके चरण चरणों में पढ़ सकते हैं, वह इनके भी पढ़ सकते हैं, इनको आप गले भी लग सकते हैं। भगवान कृष्ण की ये अपार लीलाएं हैं। तो ये अपने दिमाग में कभी मत सोचिए कि जो विष्णु तत्व है कुछ लोग सोचते हैं ये बड़ा है ये छोटा, नहीं, सब एक ही हैं, वो सब एक हैं। आपको मैंने बताया था मुरारी गुप्ता जब नवदीप में चैतन्य महाप्रभु के वो भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु उनके घर में चले गए और उनको कहा कि तुम राधा रानी की पूजा करो। उन्होंने राधा रानी की को सबसे बड़ी पूजा राधा कृष्ण की होती है, सबसे बड़ी पूजा। और पूजा कुछ लोग लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं, वो विष्णु के अलावा इधर उधर नहीं देखते, कोई बुराई नहीं। तो उनको कहा कि तुम राधा कृष्ण की पूजा करो, रो गए मुरारी गुप्ता, डॉक्टर थे वो, रो गए। क्या बात है? उन्होंने कहा प्रभु जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, मैं उसको बहुत अच्छी तरह उसको स्वीकार भी करता हूँ, अपने मन में लेता हूँ, लेकिन मैं अपने हृदय से भगवान राम को नहीं निकाल सकता। रो गए, कहता वो मेरे बैठे हैं हृदय में। इतने खुश हुए चैतन्य महाप्रभु, उनको दर्शन दे दिए
चैतन्य महाप्रभु को अपने ऐसे भगवान के दर्शन नहीं देते थे कभी, एक सन्यासी की तरह रहते थे, पर कहीं कहीं पर वो जब किसी भक्त से अति प्रसन्न हो जाते थे तो उसको राम के दर्शन दे, क्योंकि वही है ना, कृष्ण और राम सब किसी रूप में भी दिखा सकता है। ये है कृष्ण अवतारी हैं और अवतार उनसे आते हैं, ये है, ये चीज आपको समझना चाहिए। तो नैमिषारण्य के ऋषि मुनि ये प्रभुपाद कह रहे हैं, क्योंकि कलयुग था, कलयुग में कमियां रह जाती हैं यज्ञ करने में, इसलिए कलयुग में हम लोगों को, हम बहुत भाग्यशाली हैं, एक तो हमको प्रभुपाद मिले, दूसरा चैतन्य महाप्रभु के बारे में हमको पता लगा। पढ़ते हैं तो लोगों को पता ही नहीं, कुछ लोग कहते हैं कौन थे चैतन्य महाप्रभु, तो बिना पढ़े तो नहीं पता लग सकता। तो अब भागवतम पढ़ेंगे तो उनका वर्णन आएगा, भागवतम में है भी उनके प्राकट्य का, जो तीसरे अध्याय में भगवान के अवतार हैं उसमें चैतन्य महाप्रभु का नाम नहीं है, लेकिन आप 11वां अध्याय में जाएंगे वहां वर्णन है, और पुराणों में जो भी 5000 साल पहले लिखे गए थे सब में उनके बारे में लिखा है, उनकी माँ का नाम तक लिखा हुआ है। अब कभी आपको दिखाऊंगा वो सारे कितने पुराणों में उनका वर्णन है, और भागवतम के 11वें स्कंद में उनका वर्णन आता है चैतन्य महाप्रभु का। तो भागवतम लिखी गई 5000 साल पहले, चैतन्य महाप्रभु आए 500 साल पहले। अब आपका एक प्रश्न मन में उठता होगा कि चैतन्य महाप्रभु को अवतारों में क्यों नहीं लिया गया, जो अवतार हैं भगवान के खास नहीं लिया गया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए थे और वो अपना अवतार दिखाने के लिए नहीं आए थे। चैतन्य महाप्रभु ये दिखाने आए कलयुग में भक्ति कैसे की जाए अपने भक्तों के लिए, ये। लेकिन कहीं कहीं पर किसी किसी को भगवान ने दर्शन भी दिए, ऐसा ऐसा वो करते थे। तो उन्होंने कहा कि कलयुग में संकीर्तना यज्ञ करो, ये जो प्रभुपाद ने अभी समझाया हमको, इसके बारे में मैं बोल रहा था। तेरवा श्लोक है, तुल्याम लवेन अपि न स्वर्गम न अपुनर्भवम भगवत भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः किम उत आशिषः तुल्याम लवेन अपि न स्वर्गम न अपुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। मेरे साथ पढ़िए, तुल्याम लवेनापि न स्वर्गम न अपुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। के साथ तुलना करना लवेन क्षण मात्र से अभी भी न कभी नहीं स्वर्गम स्वर्गलोक न तो अपना भवम पदार्थ से मोक्ष भगवत संगी भगवत भक्त संगस्य संगति का मर्त्यानाम मरने वालों का किम क्या रखा है उत कहने में आशीषः सांसारिक आशीर्वाद वर जिसे कहते हैं। भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति के महत्व की तुलना न तो स्वर्गलोक की प्राप्ति से न भौतिक मुक्ति की प्राप्ति से की जा सकती है, तो फिर उन सांसारिक वरदानों के विषय में क्या कहा जाए जो भौतिक संपन्नता के रूप में होते हैं और मृत्यु के लिए हैं। मृत्यु के लिए मतलब हम लोगों के लिए, जो हम मर्त्यलोक के निवासी हैं, जो हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के इस बंधन में फंसे हुए हैं। मेरे साथ पढ़े, भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति के महत्व की तुलना तो स्वर्गलोक की प्राप्ति से
न भौतिक मुक्ति की प्राप्ति से की जा सकती है, तो फिर उन सांसारिक वरदानों के विषय में क्या कहा जाए? जो भौतिक संपन्नता के रूप में होते हैं, और मृत्यु के लिए हैं, और मृत्यु के लिए हैं का मतलब ये हुआ। माता जी एक मिनट, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शील प्रपात कीजिए। शील हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी ने कंप्लीट नहीं किया। एक वस्तु की तुलना हेलो हरे कृष्ण माता जी, माता जी म्यूट कर दे इनको, म्यूट जा सकती। ओके अनम्यूट हाँ सॉरी माता जी आ गया मैं। तो मैं जो कह रहा था, भगवत भक्तों का संग कितना कितना महत्वपूर्ण है। भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति के महत्व की तुलना स्वर्ग लोक से भी नहीं की जा सकती है, न भौतिक मुक्ति के प्राप्ति से की जा सकती है, तो फिर उन सांसारिक वरदानों के विषय में क्या कहा जाए जो भौतिक संपन्नता के रूप में होते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। भौतिक सांसारिक वरदान जो हमें मिलते हैं वो तो ऐसा क्षणिक हुए, जैसे आपने कहा मैं सुखी हो जाऊं। सुखी तो आप खैर इस भौतिक जगत में हो ही नहीं सकते, लेकिन कोई भी वरदान आपने मांगा मेरा ऐसा हो जाए, हो भी गया तो क्या? आपने देखा उसकी खुशी, आप जब कोई चीज आपकी हो जाती है आप बहुत खुश होते हैं, और दूसरे दिन वो खुशी थोड़ा कम होती है, फिर थोड़ा कम, एक महीने के बाद खुशी रहते ही नहीं। आध्यात्मिक खुशी अलग ही चीज है। अगर आप भक्तों का संग मिलता है तो आपको आध्यात्मिक खुशी मिलती है। तात्पर्य माता जी, हरे कृष्ण लक्ष्मी जोशी माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से तभी की जा सकती है जब दोनों में कुछ समान बातें होती हैं। हम शुद्ध भक्ति की संगत की तुलना किसी भौतिक वस्तु से नहीं कर सकते। जो लोग भौतिक सुख के आदि बन गए हैं वे चंद्र शुक्र तथा इंद्र लोग जैसे स्वर्गीय ग्रहों की कामना करते हैं, और जो भौतिक दार्शनिक चिंतन में उद्दत होते हैं वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हैं। जब मनुष्य किसी प्रकार की भौतिक उन्नति से हताश हो उठता है तो वो विपरीत प्रकार के मोक्ष की कामना करता है। जो
अनुपर्भो या पुनर्जन्म की होना कहलाता है, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त स्वर्ग लोक में मिलने वाले सुख की कामना नहीं करते, ना ही वे भव बंधन से मोक्ष चाहते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान सुख दुख की भौतिक इच्छा भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए स्वर्ग लोक के प्राप्त भौतिक सुख माया जाल के समान होता है, और चूंकि वे सुख दुख की भौतिक धारणाओं से पहले से मुक्त रहते हैं, अतः वे यथार्थ रूप में भौतिक जगत से भी मुक्त होते हैं। और इसका अर्थ ये होता है कि भगवान के शुद्ध भक्त इस जगत तथा आध्यात्मिक जगत दोनों में ही बातें होती हैं। हम शुद्ध भक्ति की संगत की तुलना किसी, ये तो फिर नहीं आ रहा है। ये है माता जी, जिस प्रकार सरकारी नौकर सदा इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान की शुद्ध भक्ति इस जगत की आध्यात्मिक जगत दोनों में ही दिव्य स्थित में अर्थात भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। जिस प्रकार सरकारी नौकर सदा नौकर रहता है, चाहे वो घर में हो या ऑफिस में या किसी अन्य स्थान में, उसी प्रकार भक्त को किसी भी भौतिक वस्तु से प्रभु जी आ नहीं रहा है जी, ऊपर है ऊपर किसी भी भौतिक वस्तु से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, क्योंकि वो अनन्य भाव से भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। क्योंकि उसे किसी भौतिक वस्तु से कोई सरोकार नहीं रहता, अतः उसे भौतिक वरदानों से क्या मिलने वाला है, चाहे वो राजपद हो या इससे भी बड़ा कोई अन्य पद, जो ये शरीर के नष्ट होते ही समाप्त हो जाते हैं। भक्तिमय सेवा शाश्वत है, इसका कोई अंत नहीं होता, क्योंकि ये आध्यात्मिक होती है। अतः चूंकि शुद्ध भक्त की निधियां भौतिक निधियों से भिन्न होती हैं, अतः दोनों की कोई तुलना नहीं है। सूत गोस्वामी भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतः नैमिषारण्य के ऋषियों के साथ उनकी संगत अद्वितीय है। भौतिक जगत में निपट भौतिकवादी की संगत गहित समझी जाती है, भौतिकवादी की योशिश संगी से होती है। ऐसी आसक्ति आबद्ध है, क्योंकि इसके जीवन से वरदान और संपन्नता दोनों ही दूर चले जाते हैं। इसका बिल्कुल उल्टा है, भगवत संगी जो सदैव भगवान के नाम यश गुण आदि के संगत में रहता है, ऐसी संगत सदैव वांछनीय है, पूजनीय है, प्रशंसनीय है, और इसे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना जा सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो इसमें प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप तुलना कभी ऐसे कहे जिनमें कुछ समानता हो। आध्यात्मिक खुशी भौतिक खुशी दोनों में कोई समानता है ही नहीं, क्योंकि भौतिकतावादी जो भी हमारे परिणाम हैं, जो फल हमको मिलते हैं, सब क्षणिक होते हैं। तो भगवान का भक्त को नहीं चाहिए ये, उसको वो खाली हमारी आध्यात्मिक खुशी में चाहिए। उसको जैसे होता है ना, आपका कोई भौतिक सुख मिलता आपको, कोई आपको बहुत फायदा हो जाता है, कितने उछलते हैं हम, लेकिन भगवान के भक्त को उससे लेना देना नहीं, क्योंकि वो हमारे कोई भी खुशी हमारी, कोई भी उपलब्धि हमारी, हमारे मृत्यु के साथ गायब। लेकिन आध्यात्मिक खुशी आपके शाश्वत है, कभी खत्म नहीं होती, हमारे साथ जाती है आगे को, ये है। और अगर हमारी आध्यात्मिक प्रगति इतनी ज्यादा है तो हमारा फिर जन्म मृत्यु तो फिर जन्म होगा ही नहीं, सबसे बड़ी खुशी ये है। अगर कमी रह गई हमारी कुछ, तो भगवान उसका इंतजाम करते हैं, अगले जन्म में आपको ऐसा चांस देते हैं कि आप फिर उठ सके, ये बात है। तो आध्यात्मिक खुशी का तो जो इसमें वर्णन किया है, तो भगवान के भक्तों का संग कितना उत्तम होता है ये आप समझ सकते हैं। 14वां श्लोक है,
को नाम तृप्तेद रसवित कथायाम महत्तम महत्तम एकांत पारायणस्य न अंतम गुणानाम गुणस्य जगमुर योगेश्वराय भवपाद्म मुख्या। मेरे साथ पढ़िए, को नाम तृप्तेद रसवित कथायाम महत्तम एकांत पारायणस्य नान्तम गुणानाम गुणस्य जगमुर योगेश्वराय भवपाद्म मुख्या। शब्दार्थ कह कौन है वह नाम विशेष रूप से तृप्तेत पूरा संतोष प्राप्त कर ले रसवित अमृत रस का आस्वाद करने में पटु कथायाम कथाओं में महत्तम जीव में सबसे महान एकांत एकमात्र परायणस्य आश्रय का न कभी नहीं अंतम अंत गुणानाम गुणों का अगुणस्य दिव्य का जगमुहु निश्चित कर सके योग ईश्वरा योग शक्ति के स्वामी भगवान मतलब ये जो भव शिव जी पद्म ब्रह्मा जी मुख्या प्रमुख पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण गोविंद समस्त महान जीवों के एकमात्र आश्रय हैं और उनके दिव्य गुणों का मापन शिव तथा ब्रह्मा जैसे योगिक शक्तियों के स्वामियों द्वारा भी नहीं किया जा सकता। तो भला जो रसास्वादन में पटु हैं वह क्या कभी उनकी कथाओं के श्रवण द्वारा पूरी तरह तृप्त हो सकता है। मेरे साथ पढ़िए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जिनको गोविंद भी कहते हैं गोविंद समस्त महान जीवों के एकमात्र आश्रय हैं और उनके दिव्य गुणों का मापन योगिक शक्तियों के स्वामियों द्वारा भी नहीं किया जा सकता हाँ उसका मतलब है उनके दिव्य गुणों के बारे में शिव जी भी उनका योगिक शक्तियों का के बारे में उतना नहीं जान सकते वो भी शिव और ब्रह्मा जो कि महान हैं। तो भला जो रसास्वादन में पटु हैं क्या कभी उनकी कथाओं के श्रवण द्वारा पूरी तरह तृप्त हो सकता है। तात्पर्य माता जी हरे कृष्ण ज्योति वर्मा माता जी हरे कृष्ण माता जी तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। शिव जी तथा ब्रह्मा जी दो प्रधान देवता हैं। वे योग शक्ति से परिपूर्ण हैं। उदाहरणार्थ शिव जी ने उस विष का सागर पी लिया जिसकी एक बूंद ही सामान्य जीव को मारने के लिए पर्याप्त थी। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने शिव जी समेत अनेक देवताओं की सृष्टि की। अतः ये दोनों ईश्वर अथवा ब्रह्मांड के स्वामी हैं, किंतु वे परम शक्तिमान नहीं है। परम शक्तिमान तो गोविंद अथवा श्री कृष्ण है। वे दिव्य है और उनके दिव्य गुणों का मापन शिव तथा ब्रह्मा जैसे शक्तिशाली ईश्वरों द्वारा भी नहीं किया जा सकता। अतएव भगवान कृष्ण बड़े से बड़े जीव
के एकमात्र आश्रय हैं। ब्रह्मा जी की गिनती जीवों में की जाती है, किंतु वे हम सबों से महानतम हैं। तो फिर महानतम जीव भगवान कृष्ण की दिव्य कथाओं के प्रति इतना आसक्त क्यों है? इसीलिए कि वे समस्त आनंद के आगर हैं। हर व्यक्ति हर वस्तु का कुछ न कुछ आस्वाद लेना चाहता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है वह उसी में असीम आनंद प्राप्त करता है। भगवान असीम है और उनके नाम गुण लीलाएं पार्षद विविधता आदि अनंत हैं और उनका आस्वादन करते हैं। वे असीम रूप से ऐसा करते हुए भी तृप्ति का अनुभव नहीं करते, इस तथ्य की पुष्टि पद्म पुराण से होती है। रसंते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदांत मनि इति राम पदे नाशो परम ब्रह्मा विधीयते। योगी जन परम सत्य से असीम दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं, इसीलिए परम सत्य भगवान राम भी कहलाते हैं। ऐसी दिव्य वार्ताओं का कोई अंत नहीं है। सांसारिक मामलों में तृप्ति का नियम होता है, लेकिन अध्यात्म में ऐसी तृप्ति नहीं है। सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के समक्ष भगवान कृष्ण की कथा को चालू रखना चाह रहे थे और ऋषियों ने भी उनसे लगातार सुनते रहने की अपनी इच्छा व्यक्त की। क्योंकि भगवान दिव्य है और उनके गुण दिव्य है, अतएव ऐसी वार्ताएं शुद्ध श्रोताओं के ग्राही भाव को बढ़ाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी के भक्त। धन्यवाद माता जी। ऐसे ऐसे ग्राही भाव को बढ़ाती हैं शुद्ध श्रोताओं के भगवान के बारे में। बड़ा अच्छा कहा गया है। सांसारिक मन में तृप्ति का नियम होता है। मुझे अगर भोजन चाहिए जिससे मेरा पेट भर सके, खा लिया तृप्ति हो गई, कहते हैं ना तृप्ति है। और आपको पैसा मिल गया इतना कि अब आप कहते हैं तृप्ति अब नहीं चाहिए ज्यादा। ये तृप्ति आपको भौतिक चीजों में हो सकती है, लेकिन अध्यात्म में ऐसी तृप्ति नहीं होती है। अध्यात्म में तो आप तृप्त कभी होते ही नहीं, क्योंकि आप भगवान के बारे में और सुनना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। तो ये अध्यात्म का ये फर्क बताया है दोनों का। तन्नो भवान मैं भगवत प्रधानो महत्तमेकांत परायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितुनोत विद्वन्। मेरे साथ पढ़िए। तन्नो भवान वै भगवत प्रधानो महत्तमेकांत परायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन्। शब्दार्थ तत् अतएव नः हम सबका भवान आप वै निश्चय ही भगवत भगवान से संबंधित प्रधान मुख्यतः महत्तम सबसे बड़े एकांत एकमात्र परायण से आश्रय का हरे भगवान का उदारम निष्पक्ष चरितम कार्यकलाप विशुद्धम दिव्य शुश्रूषताम सुनने के इच्छुक हैं। नह हम वितनोत कृपा करके वर्णन करें विद्वान हे विद्वान। हे सूत गोस्वामी आप विद्वान हैं तथा भगवान के शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि आपकी सेवा का प्रमुख उद्देश्य भगवान है, अतएव आप कृपया हमें भगवान की लीलाएं कह सुनाएं जो समस्त भौतिक विचारधारा से ऊपर है।
क्योंकि हम ऐसा संदेश प्राप्त करने के लिए आतुर हैं। ये दोनों चीज बड़ी जबरदस्त होती है, एक तो कथावाचक जो बोल रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, दूसरा सुनने वाले, दोनों महान हैं। नैमिषारण्य के ऋषि लोग, ऋषि मुनि भगवान की के बारे में सुनना चाह रहे हैं, अति बहुत ज्यादा उनकी लीलाओं को के सुनना चाह रहे हैं। और सूद गोस्वामी ऐसे हैं जो भगवान के परम भक्त हैं और भगवान की लीलाओं का वर्णन करने में पटु हैं। तो मेरे साथ पढ़िए, हे सूद गोस्वामी, हे सूद गोस्वामी, हे सूद गोस्वामी, गोस्वामी आप विद्वान हैं, आप विद्वान हैं, विद्वान हैं तथा भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तथा भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तथा भगवान क्योंकि आपकी सेवा का प्रमुख उद्देश्य भगवान है, अतएव आप कृपया हमें भगवान की लीलाएं कह सुनाएं, जो समस्त भक्ति विचारधारा से ऊपर है, हम ऐसा संदेश करने के लिए आतुर हैं, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। संतोषी गुप्ता माता जी। हाँ पढ़िए माता जी। फिर प्रभुपाद जी की जय। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही बराबर। जी माता जी अभी आ रही है। हाँ जोर से बोलिए माता जी थोड़ा। जी अभी आ रही है। जी जी फिर प्रभुपाद जी की जय। फिर प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य भगवान के दिव्य माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, किसी और को चांस देते हैं। हरे कृष्ण। रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान के दिव्य कार्यकलापों के वक्ता का एक ही लक्ष्य होना चाहिए और वह है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा तथा सेवा, और ऐसी कथाओं के श्रोताओं को इन्हें सुनने के लिए आतुर होना चाहिए। जब ऐसे संयोग संभव हो जाता है, अर्थात जब योग्य वक्ता तथा योग्य श्रोता का संयोग हो जाता है, तभी दिव्य के विषय में अत्यंत सौहार्दपूर्ण वार्ता हो पाती है। व्यवसायिक वक्ता तथा भौतिकता में लिप्त श्रोता ऐसी वार्ताओं से कभी वास्तविक लाभ नहीं उठा पाते। व्यवसायिक वक्ता वाचक अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भगवत सप्ताह का दिखावा करते हैं और भौतिकता ग्रस्त श्रोता भागवत सप्ताह की इन वार्ताओं को किसी न किसी भौतिक लाभ यथा धार्मिकता, संपत्ति, इंद्रिय तुष्टि या मोक्ष के लिए सुनते हैं। भागवत की ऐसी वार्ताएं भौतिक गुणों के कलमश से शुद्ध नहीं रहती, लेकिन नैमिषारण्य के मुनियों तथा शीला सूद गोस्वामी के मध्य चल रही वार्ताएं दिव्य। प्रभु जी ऊपर करें प्लीज। दिव्य स्तर पर थी। दिव्य स्तर पर थी। इनमें भौतिक लाभ का कोई उद्देश्य नहीं था। ऐसी वार्ताओं में श्रोता तथा वक्ता दोनों को असीम आनंद की, दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। अतः वे ऐसी वार्ताओं को हजारों वर्षों तक चालू रख सकते हैं। अब तो भागवत सप्ताह केवल 7 दिनों तक रखा जाता है और खेल खत्म करने के बाद श्रोता तथा वक्ता दोनों पहले की तरह भौतिक कार्यों में लग जाते हैं। वे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वक्ता भागवत प्रधान नहीं है और श्रोता भी शुश्रुताम नहीं है, जैसा कि ऊपर कहा गया है। श्रोता होना चाहिए शुश्रुताम, जो सुनना चाहते हैं भगवान के, और वक्ता जो है वो भागवत प्रधान होना चाहिए। जैसे सूद गोस्वामी थे, वो सुना रहे थे, और नैमिषारण्य के लोग शुश्रुताम थे, वो सुनने के बहुत इच्छुक थे। ये बात बहुत अच्छी प्रभुपाद ने लिखी है, क्योंकि दोनों ऐसे हो गए। और यहाँ पर जब वो सूद गोस्वामी अगर सुना रहे हैं
और लोग ऐसे बैठे हैं जो भौतिकतावादी हैं, तो तालमेल नहीं बैठता। ये प्रभुपाद कर रहे हैं, तालमेल तभी बैठता है जब श्रोता भी उसी स्तर के हों जिस स्तर का वक्ता है। वक्ता जो कह रहा है वो उसका उस उनको वो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि श्रोता जो वक्ता है वो भगवान का भक्त है, भगवान के बारे में बोलता है, और जो श्रोता है वो भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, तो दोनों का तालमेल अच्छा बैठ जाता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इसलिए नैम सारिणी के लोगों के लिए अच्छा था। स्वागतः परीक्षित येन अपवर्ग आख्यम अधब्र बुद्धि। अब मेरे को वार्निंग आ रही है, अनस्टेबल, कोई बात नहीं, आज तो इसने बहुत मेहरबानी कर दी, अभी तक ठीक रहा। सवई महाभागवतः परीक्षित येन अपवर्ग आख्यम अधब्र बुद्धि ज्ञानेन व्यासकी शब्द तेना शब्द शब्द तेना भेजे खगेन्द्र ध्वजपाद मूलम। सवै महाभागवतः परीक्षित येन अपवर्ग आख्यम अधब्र बुद्धि ज्ञानेन व्यासकी शब्द तेना भेजे खगेन्द्र ध्वजपाद मूलम। मेरे साथ पढ़िए, सवै महाभागवतः परीक्षित येन अपवर्ग आख्यम अधब्र बुद्धि ज्ञानेन व्यासकि शब्द तेना शब्दार्थ सह वह वै निश्चय ही महाभागवतः उच्च कोटि का भक्त परीक्षित राजा येन जिससे अपवर्ग आख्यम मोक्ष नाम से अधब्र स्थिर बुद्धि ही बुद्धि ज्ञानेन ज्ञान से व्यासकी व्यासपुत्र शब्द तेना द्वारा उच्चारित भेजे ले जाया गया खग इंद्र पक्षियों का राजा गरुड़ ध्वज पताका झंडा पादमूलम पैरों के तलवे। हे सूत गोस्वामी कृपा करके भगवान की उन्हीं कथाओं का वर्णन करें जिनसे महाराज परीक्षित जिनकी बुद्धि मोक्ष पर केंद्रित थी उन भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सके। जो पक्षराज गरुड़ के आश्रय हैं इन्हीं कथाओं का उच्चारण व्यास पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा हुआ था। वाह क्या बढ़िया, ऐसा ऐसा श्रोता होना चाहिए। मेरे साथ पढ़िए, हे सुत गोस्वामी कृपा करके भगवान की उन्हीं कथाओं का वर्णन करें जिनसे महाराज परीक्षित जिनकी बुद्धि मोक्ष पर केंद्रित थी उन भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सके। जो पक्षीराज गरुड़ के आश्रय हैं इन्हीं कथाओं का उच्चारण व्यासपुत्र श्रील सुखदेव द्वारा हुआ था। वाह वो कहते हैं उसी को सुनाए हमको, वही सुनना है हमने। तात्पर्य माता जी, हरे कृष्ण। शकुंतला माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शिल्प उपात द्वारा तात्पर्य
मोक्ष के मार्ग को लेकर जिज्ञासुओं में कुछ मतभेद हैं। ऐसे दिव्य जिज्ञासु निर्विशेषवादी तथा भगवत भक्त कहलाते हैं। भगवत भक्त भगवान के दिव्य रूप की पूजा करते हैं, जबकि निर्विशेषवादी चमचमाते तेज या भगवान की शारीरिक किरणों का ध्यान धरते हैं, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि महाराज परीक्षित को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति व्यास देव के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी के उपदेशों से हुई। श्रील सुखदेव गोस्वामी भी प्रारंभ में निर्विशेषवादी थे, जैसा कि भागवत दूसरा स्कंद पहला अध्याय नौवा श्लोक में उनकी स्वयं की उक्ति है, किंतु बाद में वे भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति आकृष्ट हुए और भक्त बन गए। ऐसे पूर्ण ज्ञान से युक्त भक्त भागवतम भागवत महाभागवत या प्रथम कोटि के भक्त कहलाते हैं। भक्तों की तीन श्रेणियां हैं, प्राकृत, मध्यम और महाभागवत। प्राकृत अथवा तृतीय श्रेणी के भक्तों को भगवान तथा उनके भक्तों का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता, वे मंदिर में पूजा करने वाले होते हैं। मध्यम अर्थात द्वितीय श्रेणी के भक्त भगवान को भगवान के भक्तों को नवदीक्षितों को तथा अभक्तों को भी भलीभांति जानते हैं, लेकिन महाभागवत या प्रथम श्रेणी के भक्त हर वस्तु को भगवान से संबंधित और हर वस्तु में भगवान की उपस्थिति को देखते हैं। अतएव महाभागवत एक भक्त तथा अभक्त में कोई अंतर नहीं मानता। महाराज परीक्षित ऐसे ही महाभागवत भक्त थे, क्योंकि उनको एक महाभागवत भक्त सुखदेव गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त हुई थी। वे सबों पर समान रूप से दयालु थे, यहाँ तक कि कली पर भी, तो अन्यों के विषय में क्या कहा जाए। इस प्रकार संसार के दिव्य इतिहास में ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हुए हैं जो बाद में भक्त बन गए हैं, लेकिन एक भक्त कभी भी निर्विशेषवादी नहीं बना है। यह एक तथ्य सिद्ध करता है कि दिव्य सीढ़ियों में जिस सीढ़ी पर भक्त बैठा है वह उस सीढ़ी से ऊपर है जिस पर निर्विशेषवादी स्थित है। भगवद गीता 12वां स्कंद 5वां श्लोक में भी कहा गया है कि निराकार की सीढ़ी पर चिपका हुआ व्यक्ति लाभ की अपेक्षा कष्ट अधिक भोगता है। अतएव सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को प्रदत्त ज्ञान ने उन्हें भगवत भक्ति प्राप्त करने में सहायता पहुंचाई। सिद्धि की अवस्था अपवर्ग या मोक्ष की अवस्था कहलाती है। मोक्ष संबंधी सरल ज्ञान भौतिक ज्ञान है। भौतिक संबंध से वास्तविक रूप से छूट जाना मुक्ति कहलाती है, लेकिन भगवान की दिव्य सेवा की उपलब्धि मोक्ष की पूर्ण अवस्था कहलाती है। ऐसी अवस्था ज्ञान तथा वैराग्य से ही प्राप्त हो पाती है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, भागवत पहला स्कंद दूसरा अध्याय 12वां श्लोक और श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा जिस तरह का पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है उसे भगवान की दिव्य सेवा प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो इसमें जो कहा गया निर्विशेषवादी क्या कहते हैं, ब्रह्म ज्योति। तो अगर भगवान का भक्त भगवत धाम, दो फर्क डिफरेंस बताया। एक दूसरा प्रभुपाद कह रहे हैं निर्विशेषवादी को अगर कोई चीज ऐसी हो गई, भगवान की कृपा हो गई, तो वो भगवान का भक्त बन जाता है। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तक बस यही उसमें लीन होना चाहते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ये भी शुरू में कौन, सुखदेव गोस्वामी भी निर्विशेषवादी थे। जब वो पैदा हुए 12 वर्ष की आयु तक माँ के गर्भ में रहे, बाहर निकले और इधर उधर जाते थे। भगवान के भक्त थे लेकिन भगवान को निराकार रूप में मानते थे। अपने पिता से भागवतम सुनी, भगवान की कथा सुनी, भक्त बन गए। दूसरा उदाहरण किसका है, चार कुमार जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, वो भी निर्विशेषवादी थे। शुरू में वैकुंठ गए, वैकुंठ में भगवान के चरणों में
चंदन लेप और तुलसी की खुशबू सूंघ करके भक्त बन गए। देखिए, तो इसका मतलब यह है कि कभी आपने सुना कोई भक्त जो है वो निर्विशेषवादी बन गया? कभी नहीं। निर्विशेषवादी पर अगर कोई भगवत भक्त उसको मिल जाए तो वो भक्ति मार्ग पर आ जाता है और भगवत धाम जा सकता है। ये तो कल मैं आपके प्रश्न नहीं ले पाया था क्योंकि ये नेट बहुत ही अनस्टेबल था, तो आज नेट ने बड़ी कृपा की है हमारे ऊपर। तो अगर आपका कोई प्रश्न है मैं आ लूंगा आज। ओम अज्ञान तिम्रांध्य ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। संतो